लेते हैं और भी कुछ रहता है वो नीचे की सब्जी जाके लेते हैं और सब्जी मान सकते हैं आपको मिलवाते हैं। जी तो कैश एंड कैरी से सामान सारा ले लिया हमने और अब मैं जा रही हूँ उनके घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त जा रही हूँ जी मैं एक डिजर्विंग फैमिली है, काफी मुश्किल है, उनको प्रॉब्लम है तो उनकी कुछ हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। बच्चे उनके छोटे छोटे, आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं तो स्वैत पोष बंदा जो है वो भी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। तो हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो जो मैं करती हूँ, जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक जो है ना, मैंने कहा उनकी थोड़ी सी मैं हेल्प करके आऊँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, उनको बीच में मैं ना लेके आऊँ। तो बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, अगर वो बीच में आना चाहेंगे तो उनकी मर्ज़ी है, मैं कोशिश करूँगी कि उनको सामने ना लेके आऊँ। और मैं सोच जा रही थी कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी जा रही हूँ ताकि कोई सामान ले लूँ। तो फिर आपको साथ साथ जो है ना मैं बताती रहूँगी कि मैंने क्या लिया है। तो आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज़, और दुआ करें कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की, हर इंसान की मुश्किल आसान करे परवरदगार, और इतना रिस्क दे कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सकें और अच्छी रिहाइश दे सकें। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी हेल्प कर सकूँ किसी की करूँ। तो चलते हैं जी आज फिर, मैं अभी फिलहाल तो पहले मैं लेती हूँ सामान, उसके बाद जो है ना उनके घर चलते हैं। सारा सामान ले आए हैं तो अभी कुछ रहता है वो नीचे की सब्जी जाके लेते हैं और करते हैं तुरंत एक है आपको मिलवाते हैं।
देते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आस पास ज़रूर ख्याल रखें, जितना भी दे सकें लाजमी दें, कि बहुत मुश्किल टाइम है जी यहाँ पे। तो जो है ना गरीब लोग क्या और क्या जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो सब इस वक्त उस चक्की में, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बहुत मुश्किल है सफ़ेद पोश रखना भी इस दौर में। तो चलते हैं हम उनके घर में, फिर वहाँ जाके मिलते हैं, कोशिश ही करते हैं कि उनको ना दिखाया जाए। तो जी अभी हम उस लोकेशन पे एंटर होने लगे हैं और जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं जी साथ साथ इधर का माहौल किस किस्म का है। वादी में बस इंटर हो गए हैं, घर के पास ही हैं, तो बस अभी जैसा कि आपको नजर आ रहा है जी कच्ची आबादी है और यहाँ पे रहते हैं बहुत लोग हैं रहते हैं इस तरह के। तो ये फैमिली जो है ना डिजर्व करती है, खातून जो है वो घरों में काम करती हैं। 13 नंबर भी है। तो लेडीज पहुंच लो गड्डी साइड तक। यहाँ पे जी हम उनके घर पहुँच गए हैं, तो आपको जैसे कि दिखा रहे हैं कि उनका वॉशरूम है, ये तो कहीं क्या सब कुछ रखा हुआ है। आ जाओ अंदर। यहाँ पे ये सामान वगैरह हम ले आए, जो मेरी औकात थी मेरी गुंजाइश थी जितने अल्लाह पाक उनके नसीब ना करें। ये आटा है, ये 5 किलो घी है और ये प्याज, और इसमें सारी दालें हैं, चीनी है, चावल हैं, जो भी ज़रूरत की ज़िंदगी की हैं वो सारी चीज़ें लेके आई हैं। अल्लाह इनके नसीब करे, अल्लाह पाक मज़ीद हमें हिम्मत ताकत दे के हम इसमें उनकी हेल्प कर सकें। और अगर कोई मेरा बहन भाई मज़ीद इसमें अपना शेयर डालना चाहता है इनके लिए, तो प्लीज़ जो है ना वो लाजमी आप शामिल हो जाए, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पे ये सारा जो है ना इनका घर आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं और घर बिल्कुल जो है ना खस्ता हाल है, कोई उनका हाल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बीमार हैं दोनों घर के जो सरबरा हैं वो बहुत बीमार हैं, वाइफ भी उनकी बीमार है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है उनको ना। यहाँ पे जी देखो मुझे लगता बंद दे रही है, तो ये हाल हो रहा है। ये देखिए यहाँ तो बहुत सफर, यहाँ से ये पानी भरते हैं जी, कुआं है पुराना काफी, बीमार है घर की हालत देखें, ऊपर ना चादरें डाली हुई, पानी सारा आता है बारिश का। जी तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, जैसा कि मैंने आपको बाहर से दिखाया है सारा, और जो सामान तौफीक थी हमें वो लेके आए हैं, इनके अल्लाह नसीब करे। और अभी इनके सारा मैं घर आपको दिखाती हूँ,
तो ये थोड़े से पैसे हैं जो ना हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप सारा इनका ये रूम दिखाएं, एक ही रूम है और इसकी हालत देखें कितना खस्ता हाल है। अगर कोई बहन भाई, मैंने पहले भी कहा है, अगर हेल्प कर सकता है हमारे थ्रू तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो उस पर कॉल करें, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें ताकि ये कोई अच्छा सा घर बना सके और अपने बच्चों के लिए कोई रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सके। जी तो ये थी आज की जो हमारी कोशिश थी छोटी सी, जो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, सबको अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। और हम लोग बैठे हैं इनके घर, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। आ रहा है इसका जो कल से स्टार्ट हमने लिया हुआ है, और गए थे एक फैमिली को मिलने के लिए जो डिजर्व कर दी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका घर भी बिल्कुल गिरने वाला है, बारिश का पानी तक उनके कमरों में आ जाता है, एक इनका रूम है, तो बहुत मुश्किल है। बीमार है उनका जो सरबराह घर का, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उनकी बेगम भी बीमार है, मैंने कल भी बताया था। तो मेरे तो पुराने जानने वाले, मैं उनकी ना जो भी मेरी अपनी बसात है उसके मुताबिक मैं हेल्प करती रहती हूँ, मेरी बेटी भी करती रहती हैं, पर मैं चाहती थी कि अगर कोई बहन भाई मेरा जो है ना वो उनकी हेल्प करना चाहता है, तो चाहे उनको कोई घर का ग्रोसरी वगैरह लेके दे, बच्चों के लिए सर्दियों कपड़े ले दे, या कोई डायरेक्ट उनकी हेल्प करना चाहे उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले ले हमसे, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ना कोई, जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं वो प्लीज़ आगे आए, मदद करें उनकी, उनको ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमार है वो। तो हमने तो जो भी कुछ मैंने दिखाया है पहले, वो जो भी हो सका हम करते हैं, साथ करते रहते हैं जो भी हो सकता है, तो बस प्लीज़ आप भी उनकी हेल्प करें। गरीब लोगों की इसमें हिस्सा होता है, अल्लाह पाक ने हिस्सा डाला हुआ है, हर अमीर बंदे के पैसे में गरीब का हिस्सा है, तो स्वाब की बात है और बरकत देता है परवरदिगार। तो आप ज़रूर उनकी मदद करें, आगे आएं जितना हो सकता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो ना सफेदपोश लोग हैं, तो सामने नहीं आ सकते थे, वो सामने नहीं आए, इसलिए मैंने भी नहीं की कोशिश कि उनको सामने लेके आए, किस लिए किसी को जो है ना वो परेशान किया जाए कि आप सामने नहीं कोई आना चाहता। तो ज़रूर कोई मेरा बहन भाई जो भी दे सकता है अल्लाह की राह में, उनकी हेल्प की जाए। तो जैसा कि यहाँ मैं बता रही थी आपको कि मेरी एक दोस्त आई थी, तो उन्होंने भी हेल्प की है, वो भी हमारे साथ गई थी, उन्होंने भी जो भी उनको तौफीक थी, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी थी, वो भी उन्होंने हेल्प की है। उनका जो था ना वो सामने हम लेके नहीं आए, कोशिश यही की है कि ज़्यादा चीज़ें जो है ना हम सामने ना लाएँ, जाहिर बात है वो परेशान से हो रहे थे घर वाले। बिल्कुल गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और जब सब मिलके करते हैं तो आप ज्यादा मिकदार में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी तो मर्जी ये होती है कि आप ऐसा कोई काम करें कि सारी लाइफ के लिए उनका वो काम बन जाए, कोई उनकी रोजगार बन जाए, हाँ, ताकि हर महीने उनको भी, जो सफेदपोश लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको भी शर्मिंदगी होती है कि आप जो है ना हर दफा उनको दें, उनकी वीडियो बनाएं, क्योंकि जो बहन भाई है ना हमारे देने वाले, उनको सबूत चाहिए होता है, तो वो चाहते हैं कि हम देखें इनकी हेल्प हुई है नहीं हुई है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि उनको दिखाया जाए जो हेल्प करते हैं। इनकी बच्चियों, तीन बेटियां थी, तीनों की शादियां हमने की हैं, मैं जितना कर सकती थी आज तक कर, मेरी बेटी ने पूरा उठाया हुआ था उनका कि इनकी शादियां करवानी है, फुल हमने जहेज दिया है, जो भी है अल्लाह की राह में दिया है, नेक काम था तो हमने किए, बच्चियां उनकी जवान थी। अभी तो माशाल्लाह बच्चियां सारी उनकी शादीशुदा हैं और आगे उनके बच्चे भी हैं अपने घर में, वो बड़ी खुश हैं, तो बड़ी खुशी होती है इस तरह के लोगों की हेल्प करके। हम तो जो करते हैं, हमने तो बिहाइंड द सीन भी हमने कभी उसका कोई वीडियो ये चीजें नहीं बनाई, हां नहीं बनाई, देखो इस्तेआत है जो अम्मी की है, हम इनके उसको हेल्प करते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा, जब अभी हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए, अभी महंगाई है ज्यादा, अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, उसको स्प्रेड करें, तो फिर और लोगों के साथ मिलाना पड़ता है, फैमिली बनानी पड़ती है। तो अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो बहुत सारी फैमिली है यहाँ पे। सबसे पहले तो अपनी फैमिली के अंदर देखना चाहिए ना कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके अपने बहन भाई, आपके अपने
अक्सर कात लोग कहते हैं जी ये मेरी बहन है, इसको ये नहीं लगता, इसको ज़कात, ये ना देखें कि किसी को क्या लगेगा। आप दे दें, ये अल्लाह और उसके बंदे का है, बिल्कुल ऐसे ही कि किसी को लगता है या नहीं लगता। सबसे पहले इंसान की खिदमत करें, ये देखना चाहिए कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं, किसी के बच्चे तो नहीं भूखे, किसी घर में खाने को है। आजकल जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, यही हाल है कि लोग एक टाइम का खाते हैं, दो टाइम भूखे सोते हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, बिल नहीं पूरे होते, खाना नहीं पूरा होता। हर सफ़ेद पोश बंदा जब रो रहा है, और गरीब का तो और बदतर हाल है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है बेचारा। 1500-2000 अगर दिहाड़ी पर लगाता है तो उसमें उनका गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जहाँ पे 100 रुपया बंदा लगाता था तो अच्छा खासा सामान आ जाता था, अब तो डेली का 3-4 हज़ार रुपया लगे तो तब जाके गुजारा होता है, खास तौर पे जो सिर्फ खाने पीने में। मैं लोगों को मुखातिब करूंगी जो लोग बाहर के मुल्कों में, मुझे पता है बाहर की कंट्रीज में भी हालात बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पर उसके बावजूद अच्छा है, फिर भी सर्वाइवल अच्छा है वहाँ पे। पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं उनकी अच्छी इनकम है, वो आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बुरे हालात हो गए। उन लोगों को बोलूंगी कि क्योंकि अक्सर औकात लोग मस्जिद बनवाते हैं कि हमारे माँ बाप के नाम की मस्जिद बना देना, बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ, ऐसे ही है। पानी के लिए पंप लगवा दे, उन लोगों को मैं ये बोलूंगी कि मस्जिद से बेहतर है कि आप जो इंसान है, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करें, उनको खाना दें, उनको कपड़ा दें, उनके लिए छत प्रोवाइड करें। मस्जिदें बहुत सारी है जी, अगर हम लोग अपने घरों को मस्जिदें बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि हम बाहर मस्जिद बनाएं तो उसमें लोग मस्जिद, बहुत सारी मस्जिदें आपके मोहल्ले में बनी हुई हैं, तो अगर आप एक फैमिली का अपने उसमें उठा लेते हैं कि एक फैमिली है जी, हमने इसको प्रोवाइड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सारी जिंदगी मरते दम तक वो आपके लिए सबका जारिया बनेगा, मरने के बाद भी उनकी औलाद ने जो खाया होगा आपके रिस्क में से वो उस रिस्क से पले होंगे। किसी एक जानवर को पानी पिला दें तो उसका सवाब है, उससे बख्शिश हो जाती है। अगर किसी कुत्ते बिल्ली किसी जानवर परिंदे को अगर देते हैं तो उसका कितना सवाब है। तो अगर किसी इंसान को या इंसान के बच्चे को अगर आप खाना खिला रहे हैं, बच्चे उनको छोटे छोटे पढ़ते हैं स्कूल में, अगर उनकी कोई स्कूल फीस अदा कर रहे हैं तो उसका जो अजर है ना वो अजीम है, अजर अजीम आपको अल्लाह ताला उसका देगा। जरूर आप आगे आए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए, आप जो अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत है ना उसमें शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कुछ लोग शर्माते भी हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, कुछ उनको उनको ये भी होता है कि हम कैसे किसी को बोले नहीं। जहाँ आपको लगता है कि आप यहाँ इनको ज़रूरत है, किसी की बच्ची की शादी करनी है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, आप आगे जाके उनकी हेल्प करें और उनकी हेल्प के लिए लोगों से मांगें। देखिए कुरान पाक में है, आप अब मुझे आए तो नहीं याद, ऑब्वियसली मैं इतना तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे जितना मैं पढ़ी मुझे इतना पता है कि भी आप लोगों से मांगें गरीब लोगों की खातिर। अगर आपको मांगना, बिल्कुल मांगने का मुराद के जाके रिक्वेस्ट करें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि भी आप ये लोग हैं, ये गरीब हैं, तो अगर आपकी इस्तेदात है तो आप उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप अगर कोई बंदा आना चाहता है, देना चाहता है, तो हम उनका डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट उनकी हेल्प करना चाहते हैं आप डायरेक्ट हेल्प करें, अगर आप नहीं सामने आना चाहते, हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो हम तो हाजिर हैं। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर वहाँ पे कोई रब्ता करना चाहे कोई मेरा बहन भाई तो ठीक है, तो ईमेल में भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट जो है ना व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि उनका अगर आपको नंबर चाहिए तो हम वो भी दे देंगे। तो बस प्लीज आगे बढ़िए, आगे आइए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, अल्लाह पाक उसका अजर आपको दे। ये दुनिया तो फानी है, इसमें थोड़ा टाइम रहना है, हर चीज ने फना होना है, हर चीज ने, चाहे वो अरबों पति है उसने भी मिट्टी के नीचे जाना है, चाहे वो गरीब है उसने भी जाना है उसी मिट्टी के नीचे। जी तो ये था जो व्लॉग कल का स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ, बाकी मर्जी आपकी अपनी है, हर बंदे का अपना हिसाब किताब है। मैं तो कह ही सकती हूँ और जो मेरी हैसियत है मैं उसके मुताबिक कर सकती हूँ हेल्प, वो मैं कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मेरे आज का व्लॉग आपको समझ आ जाएगा और आप इस पर अमल भी करेंगे कुछ मेरे बहन भाई, मुझे उम्मीद है। तो अब मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।